हाँ बेटा सुन, बेंगलोर जाने के बाद वहां पे किसी से झगड़ा नहीं करना, अच्छे से पढ़ना और टाइम पे खाना खाना, और हाँ सबसे मिल के रहना। चुप क्यों बैठा है? तुझे तो शर्म आना चाहिए, मुझे पता है इस बार भी तू फेल हो गया। अब यहाँ से पैसे वैसे कुछ भी भेजने वाली नहीं हूँ, इतने पैसे में तो घर का कितना काम हो जाता। तेरे जैसा निकम्मा वहाँ पे जाके पैसे बर्बाद कर रहा है, मर क्यों नहीं जाता? तुम्हारे मॉम ने तुम्हें डांटा था, इसीलिए तुम अपने सारे दोस्त को मार डाला। नहीं, हर वक्त पढ़ते रहते हो। 80 मार्क्स का उसमें 100 ले बका। नहीं भैया, इंग्लिश में है ना, इसीलिए समझने में टाइम लगता है। किधर से हो? बिहार से हूँ भैया। सरकारी स्कूल में पढ़े हो का? हाँ भैया, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम नहीं था ना, इसीलिए सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ा। ठीक है, अच्छे से पढ़, टॉप करना है। ठीक है ठीक है भैया। देख देख, रिजल्ट आएगा, देख, चेक चेक, रिजल्ट आया, चेक। यस, आई एम पास। इस बार फेल होगा तो क्या हो गया? टेंशन मत ले, अगली बार पास हो जाएगा। सुनो, लास्ट टाइम तुम फेल हो गए थे, पर इस बार मैं तुम्हें सिखाऊंगी, और उसके बदले तुम्हें मुझे चॉकलेट खिलाना पड़ेगा, ठीक है? हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। क्या है भाई, ये सब सब तो कॉमन ही है। ऐसा कर, तू उसके साथ डेटिंग पे चला जा। क्या बात कर रहे थे तुम लोग? क्या डेटिंग का बात कर रहे थे तुम? सॉरी सर, हम लोग डेटिंग नहीं, डाइटिंग का बात कर रहे थे। सर ये पतला है ना बहुत, इसीलिए सर डाइटिंग की बात कर रहे थे। डाइटिंग मत कर, ऐसा वैसा मर जाएगा। क्या लगा रहे हो? क्या जाओ क्लास में बैठो। हाँ माँ, फिर से सारे सब्जेक्ट में बैक लग गए। एग्जाम हॉल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, फ्रेंड को दिखाने के चक्कर में मेरा फिर से बैक लग गया। हाँ ये बात तो सच है। देख हर टीचर लोगों का ऐसा ही है, बच्चा होता है उसी को सपोर्ट करते हैं। यही रीजन था मैंने भी पढ़ाई छोड़ दिया। तो मतलब तुम्हारे टीचर तुम्हें टॉर्चर करते थे, इसलिए तुमने ऐसा किया? नो। क्यों टेंशन लेता है? तेरे फ्रेंड्स लोग है ना, वो लोग तेरी मदद करेंगे, पर हेल्प तो मांग। ठीक है भैया। सुनो, नोट बना लिया ना? अभी शेयर मत करना किसी, ये बार टॉप करने हम लोग। हाँ भाई, इस बार तो हमें भी टॉप करना ही है। हाँ हेलो रंजन, अभी नोट की जैसे शेयर मत करना भैया, ये बार टॉप करने ही हम लोग, इस बार पास होने ही हम लोग।
क्लास में बोल दे रहा सबको किसी के साथ नोट शेयर मत करना। क्या बात है, आजकल बहुत कुछ दिखा देता है यहाँ। बात मत जा, यू रियली लाइक कर रहा है। टुमारो इज प्रपोज डे, ओके? प्रपोज मत जा, ओके? मैं और तुम गर हम हो जाते। भाई आपके पास नोट्स है क्या? यू हैव एनी इश्यू विथ योर फ्रेंड्स? एस पी सर विल जस्ट सेंड हिम, जस्ट आई विल डिस्कस विद माई को डॉक्टर एंड आफ्टर दैट आई विल कम टू द कंक्लूजन। ठीक है, तो आप अभी बाहर जाके वेट कीजिए। सो व्हाट कैन यू से सर, इज इट एन डिप्रेशन केस? या इट माइट बी बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन केस, बट बाय लुकिंग हिज फिजिकल गेस्चर या वी कैन कंक्लूड ही सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन। हिज स्टोरी आल्सो रिवील्स लाइक अ So yeah, he is a victim of depression. हमेशा यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम, और हमारे सोसाइटी इसी यूथ को आइसोलेट करता रहता है। जिंदगी की हकीकत कुछ और ही रहता है, पर हम अपने हकीकत को दूसरे की जिंदगी मान लेते हैं। अगर कोई साथ ना हो तो सुकून नहीं मिलता, और यही बात इंसान को युद्ध करने पे मजबूर करता है। इसके पास दो ही ऑप्शन था, या तो खुद से युद्ध करना या फिर उससे जिसने उसे ऐसा बनाया। इसने जो किया वो सच में बहुत गलत था, पर क्या हम सही थे?